नमस्कार, आज हम आपको एक्वाफाइंडर का क्लॉक टाइम कैसे सेट करना बताएंगे। ये डिस्प्ले पे जो आप टाइम देख रहे हैं ये अभी का टाइम है, यानी कि ये एक्वाफाइंडर की क्लॉक है। अगर एक्वाफाइंडर की क्लॉक का टाइम एक्चुअल टाइम से अलग है तो आप इसे सेट कर सकते हैं। एक्वाफाइंडर का क्लॉक टाइम 15:06 दिखा रहा है, पर अभी एक्चुअल टाइम 16:15 हो रहा है। इसके लिए मेन्यू स्विच को 20 सेकंड के लिए दबाकर रखें जब तक डिस्प्ले स्क्रीन चेंज नहीं होती और सेट टाइम लिखा नहीं आता। अब डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि सेट टाइम HHMM लिखा हुआ है। HH का मतलब है आर्स और MM का मतलब है मिनट्स। आप देख सकते हैं कि अभी कर्सर आर्स पे है। आर्स चेंज करने के लिए तीसरी स्विच को दबाएं और 16 पे ले जाएं। अब हमने आर्स सेट कर लिए हैं और मिनट सेट करने हैं। इसके लिए कर्सर को मेन्यू स्विच दबाकर मिनट्स पे शिफ्ट करें और तीसरे स्विच को दबाकर 15 सेट करें। अब ओके करने के लिए मेन्यू दबाएं। अगली सेटिंग है सेट डेट। अब डिस्प्ले पे देख सकते हैं सेट डेट DDMM YY YY आ रहा है। DD मतलब डेट, MM मतलब मंथ, YY YY मतलब ईयर। आज की डेट है 20 मार्च 2020, इसलिए DD हम डालेंगे 20, MM हम डालेंगे 03 और YY YY हम डालेंगे 2020। कर्सर शिफ्ट करने के लिए मेन्यू दबाएं और वैल्यू चेंज करने के लिए तीसरे स्विच का यूज करें। फाइनल डेट सेट करने के बाद ओके करने के लिए मेन्यू दबाएं। मेन्यू दबाते ही मेन स्क्रीन आ जाएगी और चेक कर लें एक्वाफाइंडर का क्लॉक टाइम चेंज हो गया है या नहीं। अगर टाइम नहीं चेंज हुआ तो एक बार दोबारा से ट्राई करें।